नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव शर्मा आज हम वी केयर वी शेयर सीरीज़ में बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में जिसको प्रवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी बोलते हैं और स्पेसिफिकली पिछली जो दो मूवीज़ आई थी बर्फी जिसमें प्रियंका चोपड़ा को ऑटिज्म था और माय नेम इज़ खान जिसमें शाहरुख खान को एस्पर्जर सिंड्रोम था इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ऑटिज्म में बेसिकली तीन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है एक है लैंग्वेज उसको बोलेंगे हम बातचीत आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं और तीसरी चीज़ है स्टीरोटिपिकल या रिपीटेटिव बिहेवियर एक ही चीज़ को बार बार करना सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए होता है आई टू आई कांटेक्ट जैसे हम बोलते हैं आंखों से आंखें डाल के बताओ तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं तो दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इन बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है ये बच्चे आंखों से आंखें नहीं मिलाते क्योंकि ये बच्चे आंखों से आंखें नहीं मिलाते इनके लिए चेहरे के एक्सप्रेशन भी ये नहीं पढ़ पाते दूसरों के और दूसरों भी इनके चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं पढ़ पाते आ, और बॉडी लैंग्वेज भी जो होती है वो उस तरह से नहीं होती जैसे कि इनकी बातचीत या कॉमन उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है पीयर रिलेशनशिप्स नहीं बन पाते दोस्तियाँ नहीं हो पाती हैं वो दोस्त नहीं बना पाते बच्चा अगर कितने भी अच्छे पेरेंट्स हों कैसा भी वो स्टमेशन दें तीन साल में लगभग दो बच्चे की दोस्तियाँ शुरू होनी चाहिए और पाँच से छः साल में तो बच्चे अच्छी खासी फ्रेंडशिप्स बनाना शुरू कर देते हैं अपनी शेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं और इन बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है उसके बाद जैसे आमतौर पर बच्चों की आदत होती है कि अगर उनको कोई छोटी सी चोट भी लगती है या कोई छोटी सी बात भी होती है तो अपने पेरेंट्स को आके बताते हैं कि पापा मुझे यहाँ चोट लगी है या मुझे उई हुई है एंड ऑल दोज थिंग्स तो बच्चे इस तरह की कम्युनिकेशन नहीं करते बल्कि वो स्ट्रेंजर्स और अपने माँ बाप में फ़र्क ही नहीं करते आमतौर पर सबसे बड़ी खुशी पेरेंट्स को ये होती है नौ से बारह महीने के बाद कि बच्चा जो है उन्हीं की गोद में आता है दूसरों के पास नहीं जाता है दे फील वेरी प्राउड ऑफ़ इट दिस फीलिंग डज़ नॉट कम टू द पेरेंट्स जिनके बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो ऑटिज्म से रिलेटेड कोई भी बच्चे को अगर बात होती है और उसके बाद आता है कि इमोशनल रेसिप्रोसिटी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इमोशनल रेसिप्रोसिटी इमोशनल मतलब इमोशंस रेसिप्रोसिटी मतलब जो सामने वाला फील कर रहा है हम उसको भी फील कर पाते हैं कि नहीं इसमें आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ जैसे तो हीरो को हथौड़े से कोई उसकी उंगली पर मारता होफ हमें भी इस तरह की फीलिंग आती है या जब शादियाँ होती हैं तो जब डोली की विदाई होती है तो काफ़ी लोग रोते हैं कई लोग वो भी रो पड़ते हैं जो इमोशनली इन्वॉल्व भी नहीं होते उस पर्टिकुलर इंसान से बट माहौल ही ऐसा बन जाता है वी आर एबल टू फील दैट इवन कार्टून मूवीज़ देखते देखते भी वी एज एन अडल्ट ऑल्सो एट टाइम्स फील्स वेरी इमोशनल रिसेंटली जैसे वो लाहौर वाली एड आई है गूगल की जिसमें वो जजरिया के लिए अपने फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो टीयर कम्स टू आई स्पॉन्टेनियसली दिस इज़ परफेक्टली नॉर्मल विच इज़ एबसेंट इन केस ऑफ आर्टिस्टिक चिल्ड्रन क्योंकि वो इमोशनली रिलेट नहीं कर पाते इसीलिए नहीं समझ पाते बल्कि एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जैसे हम क्लास में जाएंगे अगर सब बच्चे रो रहे हैं तो सभी रोने लग जाएंगे और कई बार क्या होता है सब लोग हंस रहे हैं तो हम हंसने भी लग जाते हैं बाद में पूछते हैं कि जोक क्या था सो दैट इज़ परफेक्टली नॉर्मल विच इज़ एबसेंट इन केस ऑफ आर्टिस्टिक चिल्ड्रन उसके बाद ये बात हुई कॉम्युनिकेशन की अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की लैंग्वेज में डिलेड लैंग्वेज होती है बच्चा बात ही नहीं कर पाता जैसे बर्फ़ी में बर्फ़ी के अलावा प्रियंका चोपड़ा का कोई डालो की नहीं था सो दैट इज़ लैंग्वेज कम्प्लीटली एबसेंट है या ना के बराबर है और कई बार अगर बच्चों की लैंग्वेज है भी तो जैसे मेरा एक पेशेंट है ऑर्टिज़म का जो बच्चा है उसमें वो बातचीत तो करता है बट वो ऐसे बेतुके से सवाल पूछते हैं जो सामने वाला कंफर्टेबल नहीं समझेगा जैसे आपका क्या नाम है आपके कितने बच्चे हैं आपको क्या पसंद है आपके पास कौन सी गाड़ी है ये है वो, कॉन्वर्सेशन का मतलब है कि हम दूसरे की भी सुने और अपनी भी कुछ बातें करें दूसरे की भी सुनाएँ और अपनी भी बातें करें सिर्फ बोलते रहने से ही बात नहीं बनेगी तो दैट इज़ ऑल्सो ए साइन की इज से प्रॉब्लम रिलेटेड टू लैंग्वेज तो बातचीत को शुरू नहीं कर पाते और बातचीत को समाप्त नहीं कर पाते फिर एक वर्ड होता है स्टीरोटिपिकल यूज़ ऑफ लैंग्वेज इसका मतलब एक ही शब्द को बार बार दोहराना जैसे उसने नल सीख लिया तो वो नल 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 दिन में बहुत बार बोलता है दैट इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज तीसरा क्राइटेरिया होता है रिपीटेटिव uh, बिहेवियर जिसको स्टीरोटिपिकल या मैनरिज्म बोलते हैं उसमें जैसे फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स होते हैं रोलिंग ऑफ हैंड्स होते हैं क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब बच्चा छः से नौ महीने का होता है वो सीख जाता है कि ऐसे हाथ आगे करेंगे इसका मतलब है कि मुझे गोदी उठा लीजिए या ऐसे करेंगे तो मतलब मुझे दूध पीना है तो ये नॉन वर्बल लैंग्वेज या बिना शब्दों वाली जो आदान प्रदान है इसके बजाय बच्चे बड़ी अजीब सी मूवमेंट्स करते हैं ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे नोजी साफ करना है ऐसे ऐसे तो ये रिपीटेड बिहेवियर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि चाइल्ड माइट बी सफरिंग फ्रॉम ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिज्म। फिर वो किसी भी स्पेसिफिक टॉय से अटैच होंगे किसी भी स्पेसिफिक पैटर्न से अटैच होंगे अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक वे में देखेंगे मुझे भी अभी भी याद है जब मैं फर्स्ट ईयर पीजी स्टूडेंट था तो एक बच्चे ने मेरा स्टेथोस्कोप लिया और उसने ऐसे 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 करता रहा वो उसको इतने डिटेल में वो देखता रहा पंद्रह मिनट लगातार कि आई वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज कि हाउ ही इज़ एबल टू कॉन्सन्ट्रेट सो लॉन्ग कई बार ऐसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उनके स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं जैसे उसको कैलेंडर कैलकुलेटर्स कहते हैं हम उनको कोई भी डेट बता दीजिए वो फटाफट बता देंगे इस दिन इस दिन कौन सा दिन आई हैव एक्सेप्शनल मेमरीज ऑल्सो दे आर वेरी डिफरेंट फ्राम चिल्ड्रेन हैव मेंटल एबिलिटीज़ आर लेस दे आर वेरी वेरी डिफरेंट आई वुड से एंड इंडिविजुअल वेरिएशन बहुत ज़्यादा हैं तो पेशेंट के असेसमेंट के बाद ही यह बताया जा सकता है कि उसका पर्टिकुलरली क्या प्रोग्राम बनेगा और क्या वो किस क्षमता को किस हद तक कर पाएगा सो विद दिस आई लैंड द प्रेजेंटेशन माई फ्रेंड्स अबाउट द ऑटिज्म थैंक यू